एक में चलता है आ, उसमें दोनों कैटेगरी के लड़कियां हैं जिनको रेस्क्यू किया है और जो तस्करी जिनकी तस्करी हो सकती है और बंगाल में सारे वैसे लड़के हैं जिनकी तस्करी के जो रेस्क्यूड है तो यही है ट्रैफिकिंग में क्या होता है लड़कियों को निकाल देते हैं पर उसके बाद उनके साथ उनका नहीं होता मतलब उनका उनके लिए उनके मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ट्रैफिकिंग में है गरीबी अब गरीब है लड़कियाँ उनके पास बेरोजगार है उनके पास पढ़े लिखे नहीं है तो वो बहला फुसला के उनको लाके जीबी रोड में ले आते हैं कबाड़ी बाजार में ले आते हैं तो उनको जब रेस्क्यू करते हो उनको कुछ तो देना पड़ेगा तो कोई कुछ नहीं देता उनको कुछ नहीं देता मतलब क्या काउंसिलिंग करते हैं। अब बताओ काउंसिलिंग करके सिर्फ काउंसिलिंग करके क्या होगा और उनकी काउंसिलिंग करके क्या होगी समाज में लोगों की काउंसिलिंग नहीं होती एक लड़की मुझे बोली वो बोलती उसके बगल वाले घर में एक अंकल को उनके अंकल की वाइफ का देहांत हो गया वो अंकल को खाना वाना बना के देते थे अंकल उसका बहुत ध्यान भी रखते थे अंकल का बेटा आता था तो वो बेटा इसको बहन मानता था तो इसको हम रेस्क्यू वेस्क्यू करा के भेज दिए तो एक दिन ये लड़की रस्ते से आ रही थी तो जो अंकल का बेटा है वो अंकल का बेटा अपने दोस्त को बोल रहा है वो बहन मानते वैसे अपने दोस्त को बोल रहे अरे यार ये तो पता है उस धंधे वाली जगह से निकली है, इसको पूछ इसका रेट क्या है तो मतलब सोचो जस्ट बिकॉज उसको एक आप एक मतलब ब्रॉथल से निकाल के लाए उसके बाद जो उसको भाई मानता था उसका चेंज हो गया तो मुद्दा ये है कि हमको हम सिर्फ लड़कियों की काउंसलिंग करते हैं हमको समाज की काउंसलिंग करनी जरूरी है जो कोई नहीं करता सबसे बड़ी बात रिहेबिलिटेशन होम पे आजकल अभी होम बहुत है दिल्ली में भी है जेल कॉम्प्लेक्स में है नारी निकेतन है तिहार जेल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है ती जेल कॉम्प्लेक्स

दिया जाता है ताकि उनके साथ आगे जाके कोई ना अगर है। किसी यहाँ पे किसी को पहुंचाना है तो वो कैसे पहुंचा है? यहाँ पे प्रोसीजर क्या होता है देखो अगर जैसे कल मुझे एक फोन आया था शाम को किसी को कोई लड़की मिल गई थी मेट्रो में वो लड़की बोल रही थी कि वो बारह साल की है अब वो लड़की ने मुझे फोन किया मुझे बोल रहा मैं क्या करूँ मैंने बोला आप दस नो आठ में फोन कीजिए दस चाइल्ड लाइन आप चाइल्ड लाइन में फोन कीजिए तो फिर वो मुझे पूछने लगी क्या वो भरोसे लायक है मैंने बोला हाँ बहुत भरोसे लायक है तो उन्होंने चाइल्ड लाइन को फोन किया चाइल्ड लाइन से कोई आया बच्ची को लिया लेके के बच्ची को शेल्टर होम में डाल दिया हुँ. तो यही है मतलब हमारे इंडिया में अगर कोई भी बच्चा आपको मिलता है ऐसे हुँ. जो आपको लगता है कि की से है किसी परेशानी में है किसी दिक्कत में है तो आप उसको इमीडिएटली क्या करते हो चाइल्ड लाइन को फोन करते हो इसलिए देखना चाइल्ड लाइन का नंबर भी ना बहुत याद रखने वाला है दस नॉट दस नॉट

मतलब चल चल के जा सकते हो अब वो बॉर्डर ट्रेड के लिए है अब वो बॉर्डर बंद इसलिए नहीं करते ट्रेड होता है उस बॉर्डर से इलीगली लोगों को लाया जाता है अभी मैं आपको बताऊँ अभी एक लड़की को अभी रिसेंटली हमने रेस्क्यू किया था मैंने रेस्क्यू किया था वहाँ पे क्या बोलते हैं साउथ में आंध्र प्रदेश में वारंगल के आगे बहुत आगे एक जगह है ये लड़की आपके चार महीने पहले चार महीने पहले किसी फेसबुक में किसी लड़के के साथ इसकी दोस्ती हुई बांग्लादेश में उस लड़के ने इसको तीन चार बार मिला मिल बोलता है चलो हम लोग एक जगह जाएंगे फिर वो बांग्लादेश में एक जगह में मिला वहां से वो खुलना में मिला खुलना एक जिला है वहां पे वहां से ये लोग बेनापुल में आए बेनापोल से ये लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया किसी को पांच सौ रुपए देखे बॉर्डर क्रॉस करके ये बंदा उसको हावड़ा ले आए कलकत्ता कलकत्ता से स्टेशन बिठा के आके साउथ में किसी में जाकर किसी रेड लाइट एरिया में बेच बेचिए और अभी लड़की को रेस्क्यू किया लेकिन लड़की को घर कैसे पहुंचा है पहले तो देखो लड़की के पास कोई कागज नहीं है इलीगल इमिग्रेंट है वो ना पासपोर्ट है ना कुछ है कुछ नहीं उसके पास ऊपर से वो आई गया और उसको डाल दिया है वैश्यवृत्ति में प्रोस्टिट्यूशन में अब उसके पिताजी माताजी सब मुझे फोन कर रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं उसको कैसे भेजू भारत सरकार हो या बांग्लादेश सरकार वो हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो इतना वो है मतलब इतना मुश्किल है ऊपर से बहुत सारी चीजें जैसे आईडी उसका आईडी प्रूफ होना पड़ेगा कौन उसको ले आया क्यों ले आया कैसे ले आया ये मतलब एक देश में हो फिर भी होता है अलग देश में हो तो बहुत मुश्किल है अभी वो मेरे पास बहुत सारे ऐसे बांग्लादेश लड़की है वो आ जाती है ऐसे प्यार हो जाता है आ जाती है और भेड़ बकड़ी बोल रहे हो कुछ कुछ लड़कियां का तो मेरे पास ऐसे भी केस थे कि मतलब वो जो बस्ता होता है ना बस्ता में भड़बड़ के लाया जाता था इनको मतलब जैसे आता है ना जैसा ट्रक आ गया

रेड uh, लाइट जो हमारे होते हैं वहां पे बच्चों को भीख मंगवाने के लिए राइट right? अच्छा मैं एक कमाल की बात बताता हूँ आपको ये लोग अक्सर आप लोग नोटिस भी करेंगे तो अगर आपने नोटिस करना नहीं करा मैं बताता हूँ आप रेड लाइट पे खड़े होते हो तो आप ये देखना कि रेड लाइट पे जो भी औरत होगी उसके पास एक बच्चा होगा वो बच्चा कभी रोता हुआ नहीं मिलेगा आपको कभी भी है ना तो वो बच्चा रोता हुआ नहीं मिलता क्योंकि उसे कुछ सुंगा देते हैं और वो बेहोश रहता है वो पूरे टाइम बेहोश रहता है राइट और मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि वो बच्चा उनका तो है नहीं वो तो सिर्फ एक्सेसरी है टू गेट मनी आउट ऑफ समी और ये, ये टीयर टू सिटी में नहीं हो रहा है जहां पर आपको ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई दिखेगी राइट एंड दे नो देट देर समिशोइंग ऑन उनके सामने एंड दिस इज ओपनली ओपन मार्केट में हो रहा है ओपन मार्केट में ओपन क्राइम हो रहा है, हाँ, है राइट बट

मंदिर के सामने रेड लाइट के सामने अब देखना आप दिल्ली में बहुत बड़ा बड़ा करके बोर्ड होर्डिंग लग गया है बेगिंग नो बेगिंग जोन ऐसे करके लग है। अब बेगिंग में भी दो कैटेगरी के बच्चे मैंने देखा है वो है एक है इसको इन इन बच्चों को पेशा बना देते इसका जैसे वो बच्चे आपको मिलेंगे मैं सीपी में बहुत देखती थी ड्रेन ड्रेंडराइट सूंघते थे वो जो क्या बोलते हैं ग्लॉसी पेपर में रख के वो इतना ड्रेन ड्रेनराइट सुंगते थे जैसे ड्रग्स हो ये एक बच्चे है दूसरे बच्चे बहुत पीड़ित बच्चे पिटाई करके और जितनी भी लड़की आपको दिखेगी रेड लाइट में सारी लड़कियों के साथ इसीलिए इंटॉक्सिकेटेड होगी बाल खुले होंगे और सबसे बड़ी बात आप है आपको, आपको अलग अलग बच्चा ये लोग ना एक जगह से अलग जगह वो करते देखिए ये पूरा सिस्टम एक प्रॉब्लम है देखिए आप खुद सोचिए ये एक इलीगल क्राइम है सबको पता है ये इसके ऊपर लोग इसको इन बच्चों को पिकअप कर सकते हैं लेकिन पिकअप करके कहा डालेंगे पहली बात तो ये है ऊपर से अगर आप कानून भी देखें तो किस तरह का है बेगिंग के लिए? बेगिंग के 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 लिए लिए आप उठा देखें कि इत, इतने लेवल में कोई कानून नहीं है जैसे आप ट्रैफिकिंग का बोलिए आई है आई टी पी इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन है सेक्शन थ्री सेवन लेकिन बेगिंग के लिए आप देखना लॉट है की इतना कानून है नहीं नहीं मैं कहता हूँ बेगिंग फिर भी एक सही चीज है आदमी गुजारा कर लेता है बट बेगिंग के थ्रू जो क्राइम्स होते हैं ना उनको लिए कानून है बट कानून को फर्क नहीं पड़ता मतलब बैगिंग को आप स्टॉप नहीं कर सकते एक ऐसी जगह पे रिसर्च करा था एडल्ट फिल्म पे तो जो भी लोग एक्स एक्स वीडियोस सेमेस्टर जो भी ये वाली जब वो लोग ये चलाते हैं तो आप ये देखोगे कि आप दिल्ली में बैठे हो तो जैसे आपने बताया ना कि दिल्ली की लड़की आपको यहाँ नहीं मिलेगी डेली वो कहीं और मिलेगी यहाँ की लड़की वहां मिलेगी राइट तो आप ये देखना कि जितना भी ये कैटेगरी में वीडियो जब भी आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे और वेबसाइट पर जाने के आप सर्च करोगे अपने रीजनल पॉइंट तो सर्च करने पे आपको वो मिल जाएगी है ना बट अगर आप सर्च नहीं करोगे तो आपको वेब पेज पे आपसे कोसो दूर यानी कि साउथ का ज्यादातर साउथ का आपको दिखेगा इंटरफेस राइट तो ये एक पूरा लेजिटिमेट नेटवर्क बनाया जाता है ताकि अगर सपो अगर हर लड़की की इनकी वो बाहर आने लगी आइडेंटिटी उस रीजन में तो इनका धंधा चौपट हो जाएगा

झरने लगे मतलब झुड़िया आने लगी है स्किन आ, मतलब लिफ्ट करना पड़ेगा तो क्या होता है एक नया बहुत ट्रेंड चल रहा है जो यंग बच्चे हैं उनके स्किन को पील ऑफ करके उनकी ग्राफ्टिंग हो रही है ऑन रिकॉर्ड लोग बोलते नहीं है बट स्किन ग्राफ्टिंग का बहुत बड़ा धंधा चल रहा है मतलब लाइक बच्चों की तस्करी करके उनकी स्किन को यूज़ करके जो लोग मतलब एफोर्ड कर सकते हैं उनको दिया जा रहा है अब जो लोग एफोर्ड कर सकते हैं उनको पता नहीं होगा उन्होंने शायद स्किन के लिए अप्लाई किया होगा प्लास्टिक सर्जन में या कहीं पे लेकिन जहां से प्रोक्योर करते मैक्सिमम टाइम वो इल्लीगल होता है मुझे लगता नहीं स्किन ग्राफ्टिंग करने पता हो लोगों को लोगों को नहीं पता, नहीं पता। स्किन, ग्राफ्टिंग, नहीं स्किन ग्राफ्टिंग मतलब जैसे आप देखेंगे बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्शन uh, वाइज वो लोग स्किन टोन ढूंढते हैं अब मेरा डस्के कॉम्प्लेक्शन है मेरे टोन वाइज तो ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है बट लोगों को पता नहीं है स्किन ग्राफ्टिंग एक अपकमिंग ट्रेंड आ गया पहले ये तो पहले तो ये सब देखिए फोर्स मैंने जो प्रोस्ट्रे सब पुराना हो गया hmm. अब ऑर्गन हार्वेस्टिंग भी थोड़ा right. थोड़ा पुराना हो गया स्किन ग्राफ्टिंग इज द न्यू ट्रेंड मैंने तो ऐसा भी सुना है अभी थोड़ा मैं देख रही थी आ, कि डार्क व्प के थ्रू भी मतलब कुछ करके स्किन पील ऑफ करते हैं बच्चों का मैं तो आपको मतलब आपको ट्रोमोटाइजिंग लग जाएगा इतने छोटे छोटे बच्चों का स्किन ग्राफ्टिंग हो रहा है अरे तस्करी होकर आ रही है बच्चों को तो पैसे भी नहीं मिलते हो ना। नहीं उनको पैसे नहीं।, नहीं मिलता लेकिन स्किन ग्राफ्टिंग जो स्किन खरीदता है या फिर जिन जो खरीफटिंग तो तो बहुत पैसा बिकॉज देखिए ये अल्टीमेटली किस इंडस्ट्री में आ गया में ठीक है कॉस्मेटिक्स में और आपको पता है हम जो क्रीम यूज करते हैं वही कितने एक्सपेंसिव होते हैं और ये कॉस्मेटोले प्लास्टिक सर्जन में लोग अपना टेरा नाक को सीधा करने के लिए कितने अरबे रुपए खर्च करते हैं बताए ये पूरा स्किन ग्राफ्टिंग हो जाए कितना पैसा होगा इट्स अ ह्यूज बिजनेस अब नया आ रहा है ये ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है हम्म अच्छा तो जब ये बच्चों को लाया जाता है मैंने ये एक बड़ी मजेदार सी एक मूवी देख रहा था मैं ट्रू क्राइम पे भेजती हूँ अच्छा। तो आ, आ, ये बात है आपके अफ्रीका के अंदर उस वक्त एक एक एक, एक, एक 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 एम्बेसी थी उस एम्बेसी में मिडिल ईस्ट के शेख्स को बुलाया जाता था और वहां से लड़कियों को उठाया जाता था और उसके बाद शेख आते थे चूज करते थे और ले जाते थे ठीक है ये आज से शायद दस, साल पहले की बात होगी मिडिल ईस्ट आज भी इन चीजों में काफी हद तक बहुत है। बहुत ज्यादा ज्यादा है क्योंकि देखिए केरला में लोग बताते नहीं केरला है केरला इज ऑफ कोर्स लिटरेट स्टेट सब बोलते हैं पढ़े लिखे केरला में बहुत कॉमन है लड़कियों को मिडिल ईस्ट में शादी करवाना और एक टर्म मुझे अभी स्पेसिफिक एक अलग सा टर्म है जिसमें ये होता है एक दिन की शादी एक दिन की शादी आएंगे शेख शादी करेंगे और फिर चले जाएंगे और बड़े तादाद में बड़े तादाद में शादी है फिजिकल रिलेशन हाँ, शादी मतलब फिजिकल रिलेशन और इनका हारम करके एक टर्म है उसके हिसाब से आपको बहुत लड़कियां मतलब केरला में तो बहुत कॉमन है बिकॉज देखिए वैसे भी देखेंगे तो केरला का पॉपुलेशन बहुत मिड लिस्ट में जाता है और उन लड़कियों में क्या होता है कुछ नहीं होता है वो फिर शादी हो गई उनको पति छोड़ देते हैं क्योंकि इनके पास तो दस आठ दस बीवियां होती है और इसके बाद भी एक नया ट्रेंड सुनिए ये जो लड़कियां जाती है चलो मैक्सिमम तो रह जाती है कुछ कुछ जाती है कुछ कुछ जब जाती है देखते हैं उसके पति उनको बहुत पीड़ित करते हैं बहुत अब्यूज़ करते हैं अब वो क्या करती है क्योंकि वो इतनी पीड़ित होती है इतनी अब्यूज होती है खुद फ्रस्ट्रेटेड होती है वो क्या करती है उनके घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस में जो डोमेस्टिक हेल्प जो है जो घरेलू काम करते हैं उनके ऊपर हिंसा करते हैं अब ऐसा हिंसा करते हैं एक टाइम पर मैं एक ग्रुप की पार्ट थी तब मुझे दिखता था कि वो अपने घर गर में घरेलू काम करने वाली जो औरत है उनको ऐसा टॉर्चर करती एक औरत का वीडियो आया था मतलब मतलब फोटो आया था फिर मैंने वो ग्रुप एग्जिट कर दिया पूरा जो स्कल है सर का जो हमारे बाल के नीचे जो स्कल कल इसक उठ गया था उस लड़की का गरम तवा है ना रख दिया था सर पे मतलब आप सोचिए ये जो पति है ये औरतों पे टॉर्चर करता है अब जो पत्नी है वो टॉर्चर्ड है अब वो अपना भड़ास किस पे निकाले अब उसने क्या किया जो घरेलू हिंसा करते हैं उस पर टॉर्चर करना चाहिए और खतरनाक टॉर्चर आप डोमेस्टिक लेबर और ये सब गूगल करके देखना आप लोग जो भी सुन रहे हो जो भी है ये बहुत है और ये अनरिपोर्टेड है

आप अगर डेटा भी निकाल के देखोगे आपको नहीं पता मतलब एक लाख रुपए में आपने शादी करवा दी है ना? उसके बाद यहाँ से वो लड़की जाती भी नहीं है ना हाँ. और फिर वापस यहाँ पे उसे लेने भी नहीं आएंगे हाँ. और ये एक मतलब ये एक रीजन में होता होगा ना केस हाँ. एक रीजन में बहुत सारे केसेस होते होंगे ना तो, तो पता होगा तो फिर मतलब पता होगा लेकिन मुद्दा ये है ना पता नहीं कैसे ये एक क्या बोलते हैं इसको क्या क्या विवाह बोलते हैं इसको ये ना बहुत कॉमन ट्रेंड है और मोस्टली देखना गड़ी, गड़ी लड़कियों के साथ होता है ये तो हो गया इंडिया के अंदर एक तरीके से आ, लीगली किसी को एक्वायर करना थ्रू सोर्स ऑफ मनी एंड बाय नेमिंग इट मैरिज एंड लीविंग ये सिमिलर अप्रोच यहाँ पंजाब के अंदर भी है ज्यादा और और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से ज्यादा एक चीज है जो ये इमिग्रेंट्स होते हैं इमिग्रेंट्स होते हैं ये डोंकी रूट से जाते हैं राइट यूएसए जाते हैं और बहुत जगह जाते हैं अब इस बीच में लोग मर भी जाते हैं अब आए दिन लोग सुनते हैं कि यूएस के अंदर गुजराती जो जो एंटर करते हैं यहाँ से उन मतलब लिटरली एक गांव का गांव उन्हें पैसे देता है कि आप यूएस जाओ फिर जो अगला बैच आएगा उसे आप फंड करना राइट और फिर रात देखते हैं कि कनाडा में कोई मर गया है कोई यूएस में जाते हुए मर गया कोई मेक्सिको बॉर्डर पे मर गया है किसी ने पुलिस को पकड़ ले रही और फिर उनके पास पैसे भी नहीं बचते हैं तो, तो ह्यूमन है है। एक रूट है जो यूरोप जाता है अच्छा बांग्लादेश से एक रूट है वो लिबिया होके जाता है इलीगल रूट है वो मैंने देखा एक आदमी औरत नहीं आदमी सात लाख बांग्लादेशी टाका देता है यूरोप जाने के लिए अब ये पूरा नेक्सस कैसा है

अपने आप को बचाने के लिए फिर वो बुला देते हैं कि देखो घर गार है गाड़ी है सब वो इन्फ्लुएंस होकर चले जाते हैं अब जिसने बुलाया वो भी टॉर्चर्ड जो जा रहा है वो भी टॉर्चर्ड मतलब कान काट दिया भयंकर लेवल ऑफ क्राइम उधर कुछ कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला था ड्रम में वो ड्रम के अंदर फंस के रहता है और ड्रम में जो मछलियाँ है ना मछलियों के साथ घुस के उनकी ऐसा ड्रम को डाल दिया जैसे शिप में ड्रम है ऊपर से देखा मछली है कौन घुस के देखेगा उसमें वैसे करके उनको ऐसे करके डाल के ले जाते हैं अब उसके बाद दो लड़के मिले ऐसे अब उन दोनों लड़कों के पास पासपोर्ट था अब वो इधर भी इलीगल उधर भी इलीगल उसने पासपोर्ट को समंदर में फेंक दिया अब उसको डिटेंशन कैंप में रख दिया और उसके साथ जो टॉर्चर डिटेंशन कैंप आपको पता है किस तरह का होता है जैसे रिफ्यूजी कैंप होता है तो इनकी हालत इतनी खराब होती है और लोग सिर्फ लड़कियों की तस्करी की बात बोलते हैं मैं तो लड़कों की तस्करी की बात बोलती हूँ लड़कों की तस्करी तो और भी बदतर होती है क्योंकि लड़कियों का तो सेक्सुअल सेक्शुअल है टॉर्चर है अलग है लड़कियों के लड़कों के साथ लेबर एक एक रूम में पच्चीस पच्चीस आदमी रहते हैं बाथरूम एक है कुछ नहीं है उनको स्केबीज हो रहे हैं स्किन एलर्जी हो रहे हैं एक हो रहे हैं इंफेक्शन हो रहा है ऊपर से एक देखिए एक रूम में रहने से नहा नहीं पा रहे पानी नहीं है

वो स्पॉन्सर ने उसको दिन में बारह बारह घंटा गाड़ी चलाना था वो थक गया वो भाग गया स्पॉन्सर से स्पॉन्सर के वहां से भाग गया पर आईडी लेके तो नहीं भागा अब वो मच्छी बेचता है वहीं वहीं पे पे उसके क्या बोलते हैं फुट ओवर ब्रिज के अंडर मैंने अपने जान पहचान के किसी को बोला भेजा कि आप देख के वो लड़के को हम मदद कर सकते हैं वो मेरे जान पहचान वाला बंदा गया जाके उसको दूर देखा कि वो दूर में फ्लाई दो फ्लाईओवर के नीचे वो मच्छी बेच रहे हैं उसने अचानक देखा पुलिस आया वो भाग के आ गया बोल रहे अगर पुलिस ने मुझे देखा उसका तो खून करेगा करेगा मेरा भी खून करेगा तो मैंने उस लड़के को बोला तुम आ क्यों नहीं रहे हो वो पता है क्या बोल रहे हैं मैं सोचता हूँ आऊंगा फिर मैं सोचता हूँ यहाँ पे सबको लगता है मैं इधर रहता हूँ मिडल ईस्ट में बहुत पैसा कमाता हूँ अब अगर घर आ जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे लोग सोचेंगे यार ये तो फर्जी गया था लेकिन मुद्दा ये नहीं आज या कल तो पकड़ेंगी पुलिस तब क्या करोगे और आपको पता है मिडल ईस्ट के रूल्स कितने स्ट्रिक्ट है क्या होगा उसका तो मुद्दा है ऐसे इनगल में हजारों लोग जाते हैं हजारों फेक वर्क वीजा और ये लोग पता है कि अगर जो तस्कर है लोग इतने बदमाश होते हैं ये पहले ही बोलेंगे आपको देखिए बाहर इंडिया के बाहर ना आपका सोना जेवर कोई चुराया पाएगा नहीं आपका सिर्फ पासपोर्ट चुराएगा हर कोई पासपोर्ट चुराने के फिराक में होता है जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं बॉर्डर जो तस्कर होता है वो बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स दो ओरिजिनल दे दिया आपको जिंदगी में वो नहीं मिलेगा फिर शुरू होगा आपका शोषण पहले होगा फिजिकल शोषण फिर होगा सेक्सुअल शोषण ऐसे कर करके करके -कर 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 -कर, तो ये बहुत बड़ा एक रैकेट है और आईडी ID, जो आइडेंटिटी है उस हिसाब से तो मतलब में तो बहुत अलग लेवल का एक्सप्लोरेशन होता है यूरोप के कुछ कुछ कंट्रीज में बहुत ज्यादा होता है एक्सप्लोरेशन लोगों को लगता है लोग कमाने जा रहे हैं कमाना कम टॉर्चर ज्यादा होता है तो ये जो अच्छा लाइफ और अच्छा चीज का है ये बहुत बड़ा फिक्टिशियस चीज़ है यार ये तो फिर भी बहुत रिपोर्टेड क्राइम है

और सब बोलते हैं सबसे ज्यादा अब्यूज तो लड़कों का होता है क्योंकि लड़कियों का अगर आप एब्यूज करेंगे तो प्रेगनेंट होने के चांस है लड़कों का तो ये सब है नहीं और लड़कों के साथ जनरली अननेचुरल सेक्स करते हैं लोग लोग हर कोई जैसे बड़े बड़े फाइव स्टार होटल्स में right. जो बहुत एजेड लोग हैं वो लड़कों को बुलाते हैं क्योंकि लड़के कुछ नहीं करेंगे और एक है सोसाइटी का मेंटेलिटी कि लड़का है यार इसको क्या होगा इसको कौन अब्यूज करेगा फिर ये चीज अरे तू मेरे को एक लड़के ने अभी दो दिन पहले ही मुझे मैसेज किया कि मैम मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आपका मैंने वीडियो देखा मैंने बोला क्या बोलते हैं मेरे को मैं जब पंद्रह साल का था मेरी मम्मी के बेस्ट फ्रेंड जो पचास साल की थी उसने उन्होंने मेरा रेप किया फिर मैंने बोला तुमने किसी को नहीं बताया बोल रहे नहीं बताया तब तो सब हंस दिए बोलते है, इतनी बड़ी औरत तेरा कैसे रेप कर सकती है फिर मुझे बता रहा है मैं आपको अभी बता रहा हूँ अभी भी मेरे मन में खौफ है कोई मेरा हाथ

ऐसा क्यों होता है कि जो क्राइम अगेंस्ट मैन है वो नहीं पता लगते उनका कोई नंबर नहीं क्योंकि उनके लिए कोई कमीशन नहीं है उनके लिए कोई ऐसे बैकग्राउंड में खड़ा नहीं है जो वो बताए बट सुप्रीम कोर्ट ने 2018 अंदर आ, के अंदर एक जजमेंट आया उस जजमेंट के अंदर ये आता है कि एक लाख तिरालीस हजार सात फैमिलीज जो है राइट right? वो इफेक्टेड हुई फोर सेक्शन फोर से जो कि हरासमेंट का राइट

मेरे पास इतने केसेस आते हैं वो बोलते हैं कि यार मेरे ससुर ने ये किया ये मेरी सास ने ये किया फैमिलीज में और वो जब हम खुल के बात करते हैं तब बोलते हैं जनरली वरना कोई नहीं बोलता देखो एक्सप्लाटेशन और सेक्स वाली चीज है ना मैंने बहुत बार पूछा था क्यों होता है ये डिप्राइवेशन ऑफ सेक्स जैसे हम स्कूल में रहते हैं हमको रिप्रोडक्शन कोई नहीं समझ समझ समझाता हमें सेक्स एडुकेशन कोई नहीं समझता लोग इस होल कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स को ये क्यों नहीं समझते कि जैसे हमको भूख लगती है जैसे हमको प्यास लगती है लाइक इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ ये कोई गलत नहीं है करना या किसी के साथ वो करना बट प्रॉब्लम है कि हमारा समाज ना मुझे लगता है समाज को हम इंग्लिश में वेल बोलते हैं एक पर्दा पर उस पर्दे के नीचे क्या हो रहा है यार फैमिलीज में इस लेवल के है मैं हर दिन एक ऐसे लड़के लड़के को मिलती हूँ जो बोलते हैं अरे मेरे साथ तो एक घर वालों ने किया दीदी मेरे साथ तो वो वाली वो जो भाभी है ना भाभी की बहन ने किया अभी एक लड़का मेरे से बात करता है वो बहुत परेशान है वो खुद शादीशुदा है उसके चार बच्चे हैं उसके

अब वो आ, आगे किस कंट्री में जाते हैं उसका वो नहीं है जिसमें तो फिशिंग इंडस्ट्री बहुत में जब तो मच्छी का बेचते हैं बिकॉज देखो पानी के थ्रू तस्करी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि पानी में दोनों तरफ गार्ड होते हैं फिर भी पानी खुला है ट्रेन में क्या होता है आपको हर जगह में पॉइंट 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 होगा पानी एक जगह से शुरू होगा एक जगह में खत्म होगा बीच में शायद एक पोर्ट आया और पानी में इतना इन्विजिलेशन नहीं होता क्योंकि देखिए ट्रेन में अनलाइक बहुत लोग होते हैं पानी में देखना बहुत लिमिटेड और एक ही कैटेगरी के लोग जाते हैं अगर हमने कोई अभी क्रूज ले लिया तो अलग बात है लेकिन अब सोचिए ना आप अगर जा रहे हो एक जगह से अलग जगह तो या तो आपको मछुआरे मिलेंगे या आपको किसी तरह के लेबरर मिलेंगे आपको हर तरह के लोग नहीं मिलते ट्रेन और फ्लाइट्स की तरह हर पेशे के लोग नहीं मिलते तो आप जो बताएंगे वो भी मुश्किल है और ये जो कंटेनर्स होते हैं ये कंटेनर्स देखिए ड्रम के साइज में होते हैं

गुमशुदा हो जाते हैं अक्सर ये लोग हाँ और लोग पता भी नहीं होता खबर भी नहीं होता बाहर है किस देश में क्या पता ऐसे कितने लोग हैं इनको पता नहीं है कि इनके घर वाले कहा गए हाँ गए वो जटी में बैठे जटी में बैठ के बोट में बैठे बोट में बैठ के वो तो घर नहीं आ रहे पता नहीं फोन नंबर खो गया ऐसे करके और इतना उनके साथ ऐसा होता है क्योंकि पानी में रखा जाता है बर्फ के साथ रखा जाता है मच्छी के साथ रखा जाता है हाथ वाथ सफेद हो जाता है आपको पता है कैसा होता है फिर एकदम बॉडी ना हमारे जैसे खून पास होने वाला नहीं लगेगा पूरा एकदम जैसे होता है ना जैसे हम रेफ्रिजरेटर में रहते हैं तो वैसा वाला बॉडी हो जाता है तो ये तो मतलब क्या बोलेंगे इसको